गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं छत पे आई थी और हमारे इधर ना फ्रेंड्स रात में बहुत बारिश हुआ था। उतना भी नहीं हुआ था, ना ज़्यादा ना कम, लिमिट में गिरा था। लेकिन देखिए अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है। और मैं छत पे आई थी फ्रेंड्स थोड़ा सुबह का नज़ारा देखने, तो इधर देखिए चारों तरफ घर ही दिखता है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं दिखती है। तो चलिए मैं आई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के कपड़ा धुली थी, क्योंकि कल नहीं धुल पाई थी कपड़ा, तो कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया था, इस वजह से मैं सुबह ही उठ के धुली हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बाल्टी कपड़ा ले आई थी। तो चलिए अभी मैं इसे फैला देती हूँ, उसके बाद नीचे का काम जो है वो शुरू करेंगे। और छत भी देखिए पूरा गीला गीला लग रहा हल्का, क्योंकि पानी अभी भी छत में है थोड़ा जगह जगह पे। और ये हो गया है, तो अभी हम नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। नीचे भी नाश्ता बनाना है और आज है संडे, तो टिफ़िन वगैरह तो बनाना है नहीं, इसलिए मैं आराम से बना रही थी और सारा काम जो है मेरा वो आराम से हो रहा था। बिल्कुल भी मैं नहीं हड़बड़ा रही थी, क्योंकि संडे है। तो यहाँ पे देखिए मैं केला और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आटा में मैं निकाल के रखी हूँ, अभी आटा भी मिला के रख लूँगी, ताकि एक तरफ सब्ज़ी बन जाएगा और एक तरफ नाश्ता बना लेंगे हम। और रोटी बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बेड सरियाने के लिए आ गई, क्योंकि बेड जो है वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो हम इसे भी कर लेते हैं। और आज जाना है अभी राज का बाल कट करवाने के लिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 बज गया था। तो चलिए अभी ये सब कर लेते हैं। और रूम में जब तक हम बेड ना सरियाएं, तब तक बेड और रूम जो है ना बहुत ख़राब लगता है, रूम भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा एक ही रूम है, तो इसे सरिया के रखना पड़ता है साफ़ से, अच्छा से। और यही रूम में मैं एक साइड में खाना बनाती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए ना रूम जो है थोड़ा मेसी पड़ जाता है डेली, तो इसी वजह से मैं ये रूम को ज़्यादा साफ़ करती रहती हूँ। और एक छोटा रूम है तो उसमें उतना नहीं होता, पर फिर भी उसमें झाड़ू पोछा ये करना ज़रूरी रहता है। वैसे तो वहाँ पे रूम बेडशीट वगैरह ये सब बिखरता नहीं है, लेकिन झाड़ू पोछा वो होता है। और इस रूम में ना सब लोग इसी रूम में हम लोग सोते हैं, तो ये पूरा बिखर जाता है, कभी कपड़ा वगैरह ये वो सारा फेंका हुआ रहता है। तो ये हो गया है, और अभी दिखाती हूँ जब हम बिस्तर सरियाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मतलब कहीं सहिए और बेड अगर साफ़ मिले ना तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये काम तो मेरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो अभी लेट भी हो रहा फ्रेंड्स, और मैं नहा के उसके बाद में मिलूँगी अभी। और आप खिड़की साइड से देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धूप आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ फ्रेंड्स, लगभग अभी का टाइम हो रहा है 11:30। तो मैं ना नहा के नाश्ता करके और सो गई थी, और अभी जस्ट सो के उठी हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है। तो चलिए अभी मैं ना साग लाई थी नीचे से, तो ये हमारे घर में ही है ये सहजन का साग, तो मैं तोड़ के ले आई हूँ और अभी हम इसे छील लेते हैं, तो इसको बना देंगे आज हम साग और भात बनाएंगे। तो चलिए अभी हम इसको बना लेते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको साफ़ करने में, और वो हो गया है। तो मैं एक साइड चावल बना बिठा दी थी, और इधर थोड़ा सा हम सरसों तेल डाल के मिर्चा और लहसुन का छौंका लगा के हम साग को डाल देंगे, ताकि धीरे धीरे साग जो है वो बन जाएगा। और मैं अंशु को मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि अंशु का बाल कटा हुआ है, सिर्फ अभी राज को ही ले जाती हूँ, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीच में अंशु कटवा भी लिया था बाल, लेकिन अभी राज जो है उसका नहीं कटा हुआ था, तो चलिए अभी मैं उसे भी ले जाऊंगी। तो पता नहीं वो भी नीचे खेल रहा है, तो अभी मुझे उसे बुलाना पड़ेगा। तो आवाज़ तो मैं लगाई पर वो सुना नहीं है, लेकिन अभी हम साग डाल के और उसे बुलाने के लिए चल जाएंगे। तब तक ये साग जो है वो मेरा पकते रहेगा धीरे धीरे, और मैं तैयार भी हो जाऊंगी जल्दी से, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह में हम लोग जाते, पर सुबह में इसलिए नहीं गई फ्रेंड्स, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत भीड़ रहता है सैलून, तो इसी वजह से हम लोग सुबह में नहीं गए हैं, और थोड़ा लेट से ही चलेंगे, और भी कुछ काम है उधर भी चल जाएंगे अगर टाइम मिला तो। तो देखिए इस तरह से मैं लहसुन और मिर्चा डाल दी थी, और ये हल्का लाल होने के बाद हम ये साग को डाल देते हैं। तो इसमें और भी एक दो साग था, तो वो हम काट दिए हैं, नहीं तो आप लोगों को दिखलाते, छोटा छोटा हो गया है। और अभी देखिए इसमें हम डाल देते हैं,
और काफ़ी अच्छा लगा था ये साग बनने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब दो तीन साग हम लोग मिक्स करके बनाते हैं ना, तो ये साग बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ साग, और बहुत साग में प्याज भी डालते हैं, लेकिन ये साग में प्याज हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये दूसरा साग है, सहजन है, और आप लोग तो नाम भी नहीं जानेंगे कैसा साग है। तो चलिए अभी हम इसे डाल करके और अभी राज को बुलाने जाते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी राज का हेयर कट भी हो गया, तो हम लोग आ गए थे साग बना उना के, और उसके बाद ये देखिए बाल कट हो गया है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और साथ में आयुष भी आए थे क्योंकि उनका भी बाल बढ़ा हुआ था, तो हम लोग आ गए थे दोनों अपने अपने बच्चों को लेके बाल कटवाने। तो देखिए अभी हम लोग घर चलते हैं, काफ़ी धूप है फ्रेंड्स, ऐसा तो लग नहीं रहा था सुबह में मौसम कि धूप रहेगा, इस वजह से हम लोग सोचे कि 11 या 12 बजे के आसपास में ही चलेंगे, लेकिन बहुत धूप किया हुआ था और इतना गर्मी फ्रेंड्स, इतना गर्मी कि हम क्या ही बताएं। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, तो काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और शाम हो गया था लगभग, अभी 6 बज रहा है, और मैं यहाँ पे आलू को बॉईल कर ली थी, और अभी राज जो है वो मेरा हेल्प कर रहा है, वो आलू छील रहा था, और मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में पूड़ी में बनाऊँगी शाम में। तो ये सब करते काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी राज 4-5 ही आलू छील के और चला गया है। और इधर देखिए ये मेरा प्याज जो है वो भून रहा है। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद पूड़ी भी बना रही हूँ और आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए इधर मैं आटा भी मिला ली आप लोगों से बात करते करते, और ये देखिए मेरा सब्ज़ी जो है इधर बन के तैयार हो गया है। तो इतना ग्रेवी हम रहने देते हैं क्योंकि आलू की है ना, तो ये थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। ये देखिए इतना में हम इसे बंद कर देते हैं, और एक साइड जो है तो मैं इधर पूड़ी बनाते जाऊंगी। तो रात का टाइम है तो ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा ही बनाएंगे हम। और अभी इधर देखिए तलना स्टार्ट हो गया है, और इतना करते करते काफ़ी लेट हो गया। और ये देखिए मेरा पूड़ी सब्ज़ी जो है बन के रेडी है। तो आज का वीडियो यहीं पर है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।